नमस्कार दोस्तों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गर्मी आ गई है तो तरह तरह की आइसक्रीम तो बनाना बनता ही है, तो नेचुरल्स आइसक्रीम आज हम बनाएंगे खरबूजे की नेचुरल आइसक्रीम, मस्त मेलन नेचुरल आइसक्रीम, जिसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई GMC CMS कोई पाउडर इसमें काम में नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि जो व्हिपिंग क्रीम भी मैंने इसमें काम में ली है, वो जो मैंने एक वीडियो बनाया था मेरा कि छोले के पानी से व्हिपिंग क्रीम बनाई थी, तो वही मैंने व्हिपिंग क्रीम इसमें काम में ली है इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि इसमें क्रिस्टल नहीं बने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 100% नेचुरल मस्क मेलन आइसक्रीम। तो खरबूजे की आइसक्रीम के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध, ये फुल फैट मिल्क है, आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो वो दूध लें। और आधा कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 1 कप मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है, व्हिप्ड क्रीम, ये वही क्रीम है जो मैंने पिछले वीडियो में काबुली चने से व्हिप्ड क्रीम बनाना सिखाया था, वही क्रीम है ये। आपके पास अगर बाजार की है तो आप वो भी ले सकते हैं, व्हिप्ड क्रीम लेना है ये ध्यान रखना है। और 1/4 कप मैंने शुगर ली है यहाँ पे, शुगर मैंने यहाँ पे कम ली है क्योंकि एक तो व्हिपिंग क्रीम में पहले से शुगर है, दूसरा ये खरबूजा मेरा मीठा है इसलिए मैंने इसमें शुगर कम ली है। आप अगर ज्यादा टेस्ट करके देख लें खरबूजा मीठा नहीं है तो आप शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें इसके लिए क्या करना है, खरबूजे और शुगर को पका लेना है। ये खरबूजा और शक्कर मिक्स करके मैंने उबाल लिया है इसको, 10 मिनट के लिए थोड़ा पका लिया है। ये इसे पकाते हैं ताकि खरबूजे का जो कच्चापन है थोड़ा सा वो खत्म हो जाए और हमारे आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं जमे, उसके लिए ये प्रोसेस करना जरूरी है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा पकाने के बाद। अब क्या करना है कि इन सारी चीजों को मिक्स करके मिक्सर में पीसना है। तो मिक्सर में पीसने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ दूध, मिल्क पाउडर, व्हिपिंग क्रीम जो हमारा लिया था हमने, मैं इसमें डाल रही हूँ खरबूजे का जो हमने पल्प तैयार किया है पका के वो, और इसको मिक्सर में एक बार चर्न कर लेंगे, पल्स मोड पे चर्न करना है इसको, मिक्स करना है। तैयार मिक्सचर को एयरटाइट डब्बे में निकाल लें। मैं यहाँ प्लास्टिक का एयरटाइट डब्बा ले रही हूँ, आपके पास जो भी डब्बा अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं। अब क्लिंग फिल्म मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल के काम में ले सकते हैं। क्लिंग फिल्म से हमें इसको अच्छी तरह ढकना है, मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से ढकना है इसको। क्लिंग फिल्म से इसको, ये जो हमारा मिक्सचर है आइसक्रीम का, इसको टच करना है, कोई तरह का गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरह से टच करते हुए इसको क्लिंग फिल्म से रैप करना है ताकि इसमें किसी तरह के क्रिस्टल नहीं बने, ये प्रोसेस इसीलिए होता है। आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल भी नहीं है तो सिंपल जो हम बुक्स पे कवर चढ़ाते हैं वो प्लास्टिक भी ले सकते हैं। अब इसको कवर करके कम से कम 3 घंटे के लिए डीप फ्रिज में रख देंगे, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। हमारी आइसक्रीम जब थोड़ी सेट हो जाए, मतलब 2 से 3 घंटे हाफ सेट जब हो जाएगी, तब इसको हमें फ्रिज से निकालना है और इसको एक बार फिर से मिक्सर में बीट करना है। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे करें तो ज्यादा बेहतर है, पर सबके पास वो नहीं होता है इसलिए मैं ये मिक्सर में बीट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ये थोड़ी जमी हुई और थोड़े इसमें क्रिस्टल होंगे, बर्फ जैसा होगा, तब इसको फिर से मिक्सर में बीट करना है एक बार। इसे 2 बार बीटिंग करने से थोड़ी इसमें एयर क्रिएट हो जाती है और क्रिस्टल नहीं जमते, इसलिए 2 बार बीट किया जाता है। ये
ये देखिए दूसरी बार बीट करके इस तरह का हो जाएगा और गाढ़ा पड़ जाता है। अब इसको फिर से डिब्बे में निकालेंगे। और मैंने ये थोड़े से खरबूजे के टुकड़े शक्कर में पका के रख लिए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि मुंह में आएगा खरबूजा तो अच्छा लगेगा बहुत। किसी भी फ्रूट की आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो इस तरह से डालें, बहुत टेस्ट उसका अच्छा आता है जब उस फ्रूट के टुकड़े मुंह में आते हैं तो। अब इसको फिर से क्लिंग रैप से पैक करेंगे। पहले दूसरी बार क्लिंग रैप से पैक करने के लिए भी वही तरीका करना है कि इसका जो मिक्सचर है उसको क्लिंग रैप टच करना है हमें, उस तरह से पैक करना है। इसके पीछे यही वजह है कि इसमें एयर क्रिस्टल आइस क्रिस्टल नहीं जमते ऐसा करने से, इस तरह क्लिंग रैप करके और पैक करके अब इसको 7-8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। हमारी खरबूजा की आइसक्रीम तैयार है, मस्कमेलन आइसक्रीम जमकर तैयार है। अब इसको स्कूप कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम होममेड आइसक्रीम तैयार है एकदम खाने के लिए। इसमें हमने जो खरबूजे के चंक्स डाले उससे तो ये और भी अच्छी लगेगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इस आइसक्रीम में वैसे तो दो बार बीट किया तो क्रिस्टल नहीं बनते, और दूसरा ये कि इसको पैकिंग करने का खास ध्यान रखना है जब हम रखते हैं बेक इसको जमने के लिए तब। अगर आपने अच्छे से पैक किया है तो क्रिस्टल नहीं जमेंगे, और फिर भी अगर आपको लगता है कि दो बार बीट करके भी क्रिस्टल है इसमें तो एक बार इसको और बीट कर लें और फिर जमा लें, तो ये इस तरह से जम के तैयार हो जाएगी। तो ये खरबूजा आइसक्रीम ठंडी ठंडी खाने के लिए तैयार है इन गर्मियों में, एक नया फ्लेवर है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप मैंने इसमें जो चिक पीस से जो व्हिपिंग क्रीम बनाई थी वो काम में ली है। आपके पास अगर बाजार वाली व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं, पर लेना उतना ही है जितना हमने इस रेसिपी में चिक पीस वाली ली है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सो स्वीट किचन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए जिससे मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।